नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर फफूंद औरैया से है। मामूली विवाद में भाजपा बूथ अध्यक्ष को गोली मारकर किया गंभीर घायल। सास और बहू के बीच हुआ था घरेलू बातों पर विवाद, बाद में घायल के चाचा से भी विवाद हुआ। घायल गाँव के दूध डेयरी पर दूध देकर मोबाइल टावर से चार्जिंग पर लगा गया मोबाइल लेकर घर आ रहा था। टावर के पास ही गाँव के दो व्यक्तियों ने घात लगाकर पहले ईंट पत्थर और डंडों से मारा, बाद में गोली मार दी। परिजन रात को ही इलाज के लिए कानपुर ले गए। रात में घटना स्थल पर सीओ सहित पहुंचा थाने का फोर्स। थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर का मामला। थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी वर्तमान भाजपा बूथ अध्यक्ष दीपक कुमार तिवारी पुत्र नित्यानंद तिवारी गांव में खेती किसानी करता है। शनिवार रात को पत्नी ऋचा तिवारी व मां मनोज देवी के बीच घरेलू बातों को लेकर कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ता देख दीपक का चाचा विमलेश पुत्र भजन लाल तिवारी आ गया, तब उससे भी विवाद होने लगा। पड़ोसियों ने समझा बुझाकर विवाद शांत करा दिया। घायल की पत्नी ऋचा तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार रात लगभग 9:30 बजे पति दीपक गांव स्थित दूध डेयरी पर दूध देने गया। वहीं साथ स्थित मोबाइल टावर से चार्जिंग पर लगा अपना फोन लेकर जैसे ही वह घर की ओर चला, घात लगाए बैठे गांव निवासी राव साहब यादव पुत्र श्याम बाबू यादव कल्लू अवस्थी पुत्र कैलाश अवस्थी ने पहले उसे ईंट पत्थरों और डंडों से मारा तथा बाद में गोली मारकर उसे गंभीर घायल कर दिया। पत्नी का कहना था कि जिन लोगों ने गोली मारी है उनसे कोई विवाद नहीं हुआ था। सूचना पर सीओ तथा थाने का फोर्स गांव पहुंचा और घटना स्थल का निरीक्षण किया। रात को ही परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था देखते हुए घायल को कानपुर हेलेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थाना अध्यक्ष राज्य सिंह ने बताया कि परिजन इलाज के लिए ले गए हैं, अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए राहुल प्रजापति, ब्यूरो चीफ कानपुर मंडल की रिपोर्ट। तुमने देख लो गोली चली, कितने गोली चलाई? जाने देखो कितने चलाई। जो दो जने आते वो को हतो कल्लू अवस्थी राव साहब।